नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गैर कानूनी और दबाव डालकर कराए गए धर्मांतरण को लेकर काफी सख्त हैं। इसे रोकने के लिए योगी सरकार पहले अध्यादेश लेकर आई थी, इसके बाद में कानून का रूप दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ जिहादी और पादरी बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहाँ गरीबों को राशन का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार की लगातार सख्ती के बावजूद अवैध तरीके से धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। नया मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आया है। यहां बदलापुर थाना क्षेत्र के एक महिला के घर में धर्मांतरण कराया जा रहा था। हिंदू संगठन बजरंग दल की सूचना पर मौके पर पहुंची बदलापुर पुलिस ने इस मामले में एक पादरी व दो महिलाओं को हिरासत में लिया है। वहीं अब पुलिस इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले सेंट जेवियर स्कूल के प्रबंधन की तलाश में जुटी है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धर्मांतरण कानून के तहत केस दर्ज किया है। एसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बजरंग दल के सत्य शुक्ला ने पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने बताया था कि भालुवाही में रहने वाली कांति देवी के घर में अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसके लिए गरीब हिंदू परिवारों को बुलाया गया है। उन्हें प्रलोभन दिया गया कि धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें राशन मिलेगा और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस सूचना पर पुलिस टीम ने उक्त महिला के घर पर दबिश दी। उस समय घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। वही अंदर एक कमरे में सभी लोगों को एक पादरी संदेश दे रहे थे। थोड़ी ही देर में वहाँ मौजूद सभी लोगों को ईसाई धर्म में शामिल किया जाना था। एसपी ग्रामीण के मुताबिक इस मामले में पादरी सुजीत कुमार और उनकी महिला सहायक शिवानी पाल और टीना विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन तीनों के पास से धार्मिक साहित्य व अन्य दस्तावेज के अलावा कुछ प्रमाण पत्र बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य लोगों को भी पहचान कराई जा रही है। जल्द ही इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक प्रलोभन देकर अवैध रूप से धर्मांतरण कराने का मुख्य आरोपी सेंट जेवियर स्कूल का प्रबंध थॉमस जोसेफ अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। उधर हिंदू संगठनों की ओर से पहले भी कई बार उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा चुकी है। संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक थॉमस जोसेफ क्षेत्र में लगातार हिंदू परिवारों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता रहा है। उसके खिलाफ पहले भी केस दर्ज किया जा चुका है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने पिछले दिनों 16 आरोपियों को गिरफ्तार करके केस दर्ज कर दिया था। दरअसल जौनपुर में इन दिनों ईसाई मिशनरी प्रलोभन देकर चोरी छुपे धर्मांतरण कराने में जुटे हैं। इसके पहले मुरादपुर कोटला गाँव से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 13 पुरुष और 3 महिलाओं समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस उस मामले में भी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उस पर 15,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हिंदू संगठन धर्मांतरण मामले पर शिकायत करते रहते हैं, इसके बाद भी लोगों को अक्ल नहीं आ रही है और ये गंदा खेल चल रहा है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।